बिसमीम नहमदूनसली रसोल करीम अम्माबाद महतरम नाज्रीन कराम एक साहिबा हैं तस्नीम अख्तर का सवाल है मौलाना साहब मैंने आपसे मीरब महरोश और शीज़ा के मानी पूछे थे क्या ये नाम रखने जायज़ हैं चुनाची जो नाम आपने पूछे हैं सबसे पहला नाम इसमें है मीरब मीरब दरअसल अरबी ज़ुबान के अंदर अरब से माखूद है अरब अरबू से और इसके मुख्तलिफ़ मान आते हैं तो इसके एक माना तो आते हैं मीरब के जिसम काटने का आला और एक माना मीरब के आते हैं हाजत पूरी करने का आला ख्वाहिश पूरी करने का आला और एक माना मीरब के आएंगे अरब अरबू से होशियार अकलमंद माहिर तो इस माना के अतबार से तीसरे माना है होशियार अक्लमंद माहिर नाम रखा जा सकता है लेकिन दूसरे माना इसके अंदर जो ग़लत है उनके माना का एहतमाल होता है इसलिए मीरब के बजाय हम अरीबा नाम रख लें इसी से जो मादे से एक लफ्ज़ निकलता है अरीबा तो अरीबा के माना जो है मुतना तौर पर वो आएंगे होशियार तजर्बेकार माहिरंद तो मीरब के बजाय बेहतर ये है कि हम अरीबा नाम रखें ये ज़्यादा बेहतर है चूँकि मीरब के माना के अंदर जो दूसरे माना है हाजत पूरी करने का आला ख्वाहिश पूरी करने का आला जिसम काटने का आला ये कोई अच्छे माना नहीं है इन दो माना का इसमें महत्माल है बाकी दूसरे माना होशियार के भी आते हैं अकलमंद के भी आते हैं लेकिन बेहतर यह है कि अरीबा नाम रख जो मताना तौर पर फिर उसमें होशियार और अकलमंद के मनाएँगे लेकिन बेहतर यह है कि अरीबा नाम रखें और अरीबा के माना सिर्फ़ मुताना तौर पर होशियार अकलमंद और तजर्बेकार ही के आएंगे तो मीरब नाम के बजाय अरीबा रख ले तो ज़्यादा बेहतर है दूसरा नाम आपने इसमें पूछा है महरोश महरोश दरअसल इसके माना आते हैं हसीन खूबसूरत माशूक तो महरूश नाम रख सकते हैं ये उर्दू लगात के अंदर जो फिरोज़ुल है उसके अंदर इसके माना दे रखे हैं हसन खूबसूरत माशूक के ये नाम रखा जा सकता है तीसरा नाम आपने पूछा है शीज़ा शीज़ा इसके मुख्तलिफ मानी आते हैं एक माना तो आते हैं दरख्त अखरोट की लकड़ी इसी तरीके से एक माना आते हैं आबनूस का दरख्त एक माना इसके आते हैं शीशम का दरख्त एक माना इसके आते हैं आदरबेजान के एक इलाके का नाम जिसे हजरत मग़ी बिन शोबा रज़ी अल्लाह ने फतह किया था तो ये शीज़ा नाम रखा जा सकता है इसके माना में कोई खराबी नहीं है ये नाम हम रख सकते हैं फ़क्त आलम